Assalamu alaikum guys. So now we are at the second day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सब? कुछ ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो अभी मैं और दानियाल भाई हम लोग आए थे किसी काम से बाहर, तो हमने सोचा DHS से बाहर, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम साथ साथ जो गीगा मॉल है, क्योंकि वैसे तो वो उसकी एंट्रेंस अंदर भी है कि बंद होगी, अंदर वाली एंट्रेंस अंदर वाली भी है, तो हमने सोचा कि हम गीगा मॉल का भी विज़िट करें, तो इसलिए अब हम जाएँगे गीगा मॉल। अब हम जरा गीगा मॉल जाओ पहुँचे, बल्कि सामने ही है, लेकिन एंट्रेंस वगैरह करनी है, पार्किंग करनी है, सो दैट्स व्हाई मैं अंदर घुस के फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये है कि आज क्योंकि संडे है और जो गीगा मॉल है उसकी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बंद थे सिवाय हाइपर स्टार के, तो वहाँ से हमने कुछ ये वेफर्स और पॉपकॉर्न्स लिए हैं जो कि हमने इन भाई ने गिफ्ट लेके दिया। सो थैंक यू दानियाल भाई, आपने हमारे पर पैसे खर्च लिए गलती से आज। आगे हमारा क्या प्लान जो दद्दा बेचिया ने, और आगे हमारा क्या प्लान है? अब हम लोग घर जाएंगे, घर वालों से थोड़ी सी बातें सुनेंगे किधर आ गए थे, बाद शायद जरा को बाहर जाने का को मूड बने, को देखते हैं किधर क्या होता है। चलो फिर कोविड में पार्टियां, ओहो ये। तो जी बात ये है कि जो मेरी पूरी की पूरी फैमिली है, यानी कि दो गाड़ियां जा चुकी हैं और मैं भी तकरीबन 15 मिनट तक जो है निकलूंगा इस्लामाबाद से, और बस। तो अभी जो है मैं और दानियाल भाई कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे हैं गिम्बल के साथ, पता नहीं उन्होंने कौन कौन से उसके कुछ सिस्टम्स हैं जो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं की। तो आज दानियाल भाई हमारे जो हैं ये उसके जो फंक्शंस हैं हम बैठ के एक्सप्लोर करेंगे। जब तक इसके फंक्शंस और सिस्टम्स एक्सप्लोर नहीं होते हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अच्छा, बेसिकली बात एक और भी ये थी कि जो हमारे बासित भाई हैं वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, यानी कि रावलपिंडी में हैं, और मेरे से तकरीबन कोई आधे घंटे के डिस्टेंस पे हैं। तो मेरी उनसे कल बात हुई थी और वो कह रहे थे कि हम जो हैं वो परसों जाएंगे और इकट्ठे जाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली आज जा चुकी है एंड दे आर ऑन देयर वे टू सियालकोट, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं भी चले जाता हूँ। रह तो मैं यहाँ पर सकता हूँ, लेकिन स्टिल अब जब सारे चले गए हैं, इवेंट ख़त्म हो चुका है, तो इस टाइम फिर यू नो के इनका मतलब जो घर वालों को बहुत सारे काम भी होते हैं हैंडल करने वाले, तो इस टाइम फिर वो यू नो के थोड़ा सा तो सॉरी बासित भाई, मेरा प्लान तो यही था कि मैं आपको मिलूँगा आके, बट कुछ हालात की वजह से और वक्त की कमी की वजह से अब आप अकेले ही आए और मैं अकेले ही जाऊँगा। सो एज़ यू नो के आई एम गोइंग टूवर्ड्स सियालकोट, और अभी मैं GT रोड पे हूँ, एंड व्हाट डिड आई सॉ, तो इस जो ट्रक है पीछे वाला ये उसमें घुसा है कि पता नहीं उसने ब्रेक मारी है तब ये घुसा है, क्या सीन है, और एक जो ट्रक है वो वहाँ पर उल्टा हुआ है, एंड आई थिंक दे आर मेरी बाइक भी उधर ही खड़ी है, पर आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट दे आर ट्राइंग टू मे बी समथिंग। वेरी बैड एक्सीडेंट। तो फाइनली यह शॉर्ट ब्रेक, और मेरी हैंड पे देखे कहाँ से बाहर आ रही है, और शॉर्ट ब्रेक कहाँ पे हैं? ऑफ कोर्स मियाँ जी, और फैमिली भी यहाँ पहुँच चुकी है, हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जी रोटी प्रोग्राम इज़ डन एंड द टाइम इज़ 5:00, और विद इन सम मिनट्स हम लोग मियाँ जी रेस्टोरेंट से निकल पड़े और फिर हम जाएंगे सियालकोट के लिए। वंस अगेन फ्यूल ब्रेक, और आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट क्लोज टू गुजरात, और मे बी इन गुजरात, नॉट श्योर। अभी बात यह है कि अच्छे भले हम सफ़र कर रहे हैं ठीक है, तो रास्ते में क्या होता है कि जी हमारी जो गाड़ी है वो रुकी हुई थी, वो क्यों रुकी हुई थी, तो यहाँ पर जाना ये कोई रेत के पहाड़ हैं, और ये जो मेरा कज़न है इसको आखिर आई हुई है कि इसी टॉप पर जाना है, जैसे और स्नो माउंटेन है वो टॉप पर, जाओ जाओ जाओ, मतलब कि घर जाने का नहीं उसको पता। हेलो अहमद,
वापस आओ। ये तो ऐसे जैसे किसी डेजर्ट में घुस गए। हो गया शौक पूरा हो गया। तो जी शौक पूरा हो गया इसका। इन पथरीले कह रहे हो रेतीले पहाड़ों पे चढ़ने का। तो राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग नियर वजीराबाद। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाइस आई हैव रीच्ड ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू सियालकोट। आई एम बेसिकली एट एयरपोर्ट रोड राइट नाउ एंड बिहाइंड मी इज दैट राउंड अबाउट ऑफ द एयरपोर्ट रोड। और मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ, बिकॉज आई सॉ समथिंग वेरी स्पेशल है वो है, लाइक स्पेशल और न्यू और डिफरेंट। एक्चुअली नॉट डिफरेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन सियालकोट विच इज डिफरेंट। सो बेसिकली दिस इज सम काइंड ऑफ अ न्यू कॉलोनी जहाँ पे उन्होंने मे बी वजीराबाद समरियाल जो भी है जगह का नाम है वहाँ पे उन्होंने ये जो क्लॉक टावर है किधर गई है वाला सियालकोट का उन्होंने कॉपी किया है और मे बी एज अ मॉन्यूमेंट उन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो इट फेल्ट वेरी नाइस टू सी दिस। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आई हैव रीच्ड सियालकोट एंड आई एम स्टैंडिंग इन कैंट राइट नाउ। तो सोचा कि यहीं पे जो है वो ब्लॉग एंड कर दूँ। तो बस यही आज का ब्लॉग था। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गया है हरियर से। तो इंशाल्लाह आप सब मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में सिर्फ सफ़र था। अब उसको आप चाहे SAFAR वाला सफ़र समझें या फिर SUFFAR वाला सफ़र समझें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को किस तरह देख रहे हैं। बहरहाल ये कि आज का ब्लॉग यहाँ तक ही है। हर बार की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे से कॉमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।